तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी 2EM में। तो आप सबका कमेंट आ रहा था कि सर आप मिश्रित भिन्न का जोड़ बताइए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही दिक्कत आ रहा है मिश्रित भिन्न का जोड़ करने में। तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान इसका तरीका है, बस आपको वही समझाऊँगा, एक ही सवाल बताऊँगा और इसी सवाल से आपको मिश्रित का जोड़ लगाना आ जाएगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सवाल को उतारेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम सवाल को ना उतार के यहीं पे देख लेते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगेगा। तो देखिए क्या करना है, जो है ना, चार सही पाँच बट्टा में दो लिखा है, यहाँ पे देखना है प्लस लिखा है, तीन सही पाँच बट्टा में चार प्लस दो सही पाँच बट्टा में छः। तो आपको क्या करना है, जो संख्या होती है ना इसको इसमें गुणा करते हैं, फिर इसमें गुणा करने के बाद इसमें हम जोड़ देते हैं। तो देखिए चार दुना के आठ, आठ हो गया, ठीक है, अब फिर आठ और पाँच तेरह, तो आठ पाँच हो गया तेरह। तो यहाँ पे तेरह लिखिए आप, फिर बट्टा में ये जो दो है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो प्लस है प्लस को यहाँ पे उतार देंगे। फिर देखिए इसको इसमें गुणा करना है, तीन चौ के बारह, और ये जो है ऊपर वाला इसको इसमें जोड़ देंगे, तो बारह पाँच सत्रह, तो सत्रह बट्टा में ये जो चार है उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लिखिए, फिर इसको भी देखिए छः दुना के बारह और पाँच सत्रह, तो सत्रह यहाँ पे लिख देंगे और बट्टा में छः हो जाएगा। फिर अब आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही आप लोगों को हल करना है। देखिए इसका एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता आपको एलसीएम निकालना, हमारे चैनल में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम हमारा होगा बारह, ठीक है, तो अब इसको हमने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। अब देखिए इसको है जो है इसमें भाग देना होता है, तो दो छः के बारह, छः बार में जा रहा है ना, जो छः बार में जा रहा है उसको इसमें गुणा कर देते हैं। छः बार में आ रहा है तो छः का तेरह में गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा तेरह छः के अठहत्तर, और फिर प्लस चार का भाग दीजिए बारह में, चार तीन बारह, तो सत उसका बारह जो आ रहा है कितनी बार में आ रहा है, तीन बार में ना, तो तीन का सत्रह में गुणा कर देंगे, तो कितने हो जाएगा इक्यावन, सत्रह तीन इक्यावन, फिर प्लस हो गया आपका, फिर छः का भागा दीजिए बारह में, छः दुना के बारह, दो बार में जा रहा है तो दो का सत्रह में गुणा कर दीजिए, सत्रह दुना के चौंतीस। अब यही आपको यहाँ पे जोड़ देना है इन सबको आपस में, देखिए चार एक पाँच और आठ, आठ पाँच तेरह हासिल एक, फिर सात पाँच बारह और तीन पंद्रह एक सोलह, तो ये हो गया आपका इसका जोड़ने के बाद, और ये बारह यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब देखिए कोई संख्या यहाँ पे कट रही है या नहीं कटेगी, अब यही आपका आंसर हो जाएगा।